दो गाड़ी आपके सामने खड़ी है, आप देख पा रहे हो भाई, ये W6 है आपका W8, देख रहे हो अंतर क्या है उसमें, अलॉय आ जाते हैं इसके अंदर भाई, आपका चीज़ आपको अलॉय देखने को नहीं मिलता, सनरूफ दोनों ही देखने को मिल जाती है। तो एक बार बात करते हैं भाई W6 मॉडल की, आपका ये डीजल के अंदर खड़ी हुई है, BS6 फेस 2 RDE कॉम्प्लायंट, क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है भाई, अपना घोड़ा यहाँ खड़ा हुआ है एंड ब्लैक कलर में सही लगती है भाई अपनी गाड़ी तो, इसी की बात करता हूँ। अगर देख रहे हो W8 के अंदर अलॉय वगैरह आ जाते हैं थोड़े बहुत, बाकी तो पीछे वाइपर आ गया उसके अंदर, आपका पीछे डिफॉगर वगैरह तो खैर इसमें भी आ रहा होगा ना, एंड जैसे ही पीछे आते नहीं भाई, इसमें आपका डिफॉगर भी नहीं आता, हाई मोड प्रॉब्लम तो है बट ये अलग से लगवाई होगी, दो दो हैं, एक इधर भी एक इधर भी, ये फेक वाली है, सब क्या अलग से लगवाई थी डिज़ाइन को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। तो XUV300 की ब्रांडिंग वगैरह पूरी हो रखी है आपकी, देखते हो लुक काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है आपको उसके अंदर भाई, चाबी आपको ये दो चाबी, यार इससे सस्ती गाड़ी है ये, एंड क्या सीन है ना, जो कलर है इसका एक्वा टाइप कुछ एक कलर काफ़ी सही लग रहा है, इससे होती है लॉक, इससे होती है भाई अनलॉक, एंड इसको आप दोबारा दबाते हो ये हेडलाइट ऑन, यहीं से हेडलाइट ऑन वगैरह वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इसके अंदर। नीचे फॉग लैंप आपका अलग से लगा हुआ है, इस मॉडल में आपका फॉग लैंप लग के नहीं आता, अलग से लगवाया हुआ है कस्टमर ने अपनी डिमांड के हिसाब से। बाकी साइड इनके टचेज यहाँ पे आ गए, क्रोम में आपको लोगो देखने को मिलता है ट्विन पीक्स के अंदर। नीचे की तरफ की बात करते हो तो आपको यहाँ पे भाई यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा कार्बन फाइबर का एक प्लास्टिक का ट्रीटमेंट मिलता है, दोबारा दबाते हो लॉक को तो आपकी वो लाइट बंद हो जाती है, तो मतलब अच्छा हिसाब किताब है। दोनों चाबी बटन वाली आ गई आपकी। ORVM की आप जब बात करते हो तो इसके अंदर आपको जो ORVM मिलते हैं ना भाई, एक बार गाड़ी को करता हूँ मैं अनलॉक एंड आप जैसे ही यहाँ पे खोलते हो तो ORVM आपके भाई फोल्डिंग नहीं मिलते, बट हाँ आप इनको एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, ऑटो डाउन एंड यहाँ से आपकी ऑटो अप नहीं है, खैर ऑटो डाउन तो मिलता है इससे, ऑटो डाउन एंड इससे आपकी ऑटो अप नहीं मिलती, सिर्फ हाथ से ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये मोटी मोटी मतलब पूरी बात है, बात करते हैं साइड प्रोफाइल पे, आप देखते हो भाई इंडिकेटर आपको फेंडर पे देखने को मिलता है, और भी हाथ से फोल्ड करते हो, रूफल आपके इसके अंदर अलग से इंस्टॉल नहीं करने पड़े, लग के आता है इसके अंदर, आप देख रहे हो उसके आपके वाइजर वगैरह लगवा दिए हैं, वो जो बीडिंग है आपकी वो काली ही है, इस पर आप क्रोम वगैरह लगवाते हैं, काफ़ी हीट हो रही है एंड अभी देख रहे हो जो कैरेक्टर लाइन इस पर फ्लो करती है ना, क्या सही लगती है ना। टायर सेक्शन की बात करते हो तो ब्रिजस्टोन ड्यूरेलर लग के मिल रहा है इसके अंदर, एंड द सेक्शन ऑफ द टायर इज़ भाई 205/65R सोल है, 16 इंच का आपको इसके अंदर जो स्टील रिम है वो देखने को मिलता है, एंड क्या सीन है, रियर में भी डिस्क आती है, फ्रंट में भी डिस्क आती है, हब कैप ट्विन पीक्स का लोगो, क्योंकि व्हील कवर है आपके इसके अंदर, 5 नट देखने को मिलते हैं, मतलब 5 नट सफिशियंट है यार, वरना हुंडई जैसी गाड़ी में 4-4 नट आते हैं, इसमें 5 देखने को मिलते हैं। रियर प्रोफाइल पे जैसे ही आते हो आप तो आप देखते हो भाई ये गाड़ी आपकी डीजल है, यहाँ पे आपको लाइट वगैरह LED वगैरह सेटअप मिलता है, इंडिकेटर आपका एरा है, यहाँ पे आपको सिंपल सा बैक करोगे वाला XUV300 की ब्रांडिंग इधर है, ट्विन पीक्स का लोगो आपका एरा, यानी आप देख रहे हो ये अलग से लगा हुआ ना, तो अंदर की तरफ आपको दो हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर पे, बूट को ओपन करना है यहाँ से आप इसको ओपन करते हो, आपको इसके अंदर 258 लीटर्स का बूट वगैरह देखने को मिलता है इसके अंदर पे, क्या बात है, तो सही सही हिसाब का टायर वगैरह रखा हुआ है खैर अभी इसके अंदर। आगे आपका 2-in-1 सिस्टम है, दो लोग आगे दो लोग यहाँ पे बैठते हैं, बीच में एक बच्चा ही मैं कहूँगा, तो सीट है आपकी यहाँ से खींचो आगे फोल्ड हो जाएगी। इधर की बात करते हो तो आपको यहाँ पे टायर वगैरह है ना इसका, तो वो सब चीज़ आ जाती है, मतलब बढ़िया है यार हिसाब किताब, जो बूट का जो एरिया है आई बोर्ड से थोड़ा सा कम फील होता है, बट चलो यार काम चल जाए कोई दिक्कत नहीं। ग्रैब हैंडल आपको इधर देखने मिलता है, बंद करना है तो ऐसे करके कर सकते हो भैया, बंद होना बहुत ईजी है यहाँ से करके, एक बार में हो जाता है बंद आपका। रूफ रेल आ गया आपके, शक फैन एंटेना नहीं आता, माइक्रो एंटेना ही लग के मिलता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मैं इसको कह सकता हूँ, बिकॉज W6 मॉडल इतना ईजिली नहीं मिलता है डीजल के अंदर, थोड़ा ना रेयर मॉडल तो है भाई आपका ये। तो एक बार खोलते हैं गाड़ी का डोर एंड यहाँ पे आता हूँ मैं, हुड को करता हूँ ओपन एक बार, हुड जैसे ओपन करते हो भाई फील होता है कि हर चीज़ है, मतलब क्वालिटी वाली चीज़ मिलती है। अब यहाँ पे आते हो उधर भाई काफ़ी हीट है यार, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है भाई गाड़ी तो, एंड यहाँ पे आपको हुड को खोलेंगे, खोल लूँ भाई मैं तभी दिखाता हूँ, जल जाएगा भाई हुड, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब मैं छू नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी थोड़ा चल के आई है, डीजल इंजन है आपका ये खैर, एंड आप देख रहे हो फॉगलैम वगैरह पूरी बात कर ली, ये जो इंजन है आपको अच्छा खासा आपको लाइक 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलता है, पावर फिगर्स भी काफ़ी ज़्यादा सही मिलते हैं आपको उसके अंदर। एक बार भाई गाड़ी के अब अंदर बैठ के बात कर लेता हूँ कैसी क्या, बिकॉज मैं हुड नहीं खोल रहा यार, मेरा हाथ जल जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है इंजन। अब यहाँ आते हो एंड केबिन इज़ गुड भाई, फील है केबिन के अंदर जो एक चीज़ मिलती है ना, पूरा बढ़िया लगता है केबिन, मतलब कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, 6 गियर 1 रिवर्स वगैरह। डोर को करता हूँ यहाँ से बंद, आपको ट्विटर है यहाँ, स्पीकर है यहाँ एंड इधर के आपको ट्विटर वहाँ, स्पीकर वहाँ, चाबी फ्लिप की मिलती है, पुश बटन आपको इसमें नहीं मिलता, बट सनरूफ आ जाती है इसके अंदर आपकी ऊपर की तरफ, चाबी मैंने निकाली है एंड चाबी को लगाऊँ एक बार, इधर लगेगी है ना, क्वालिटी मिलती है यार, रिफाइनमेंट है, मतलब डीजल ने तो धड़ 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 करके स्टार्ट हो गए, थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा है मेरे को उसके अंदर, बट ओके है भाई। फैन वगैरह यहीं से मैनुअली आपको करना पड़ेगा, एंड स्टीयरिंग की बात करते हो तो स्टीयरिंग आपका यहाँ से ऊपर, मतलब सिर्फ टिल्ट देखने को मिलता है, क्रूज कंट्रोल वगैरह बटन नहीं मिलते, 10-4 कंट्रोल आपके यहाँ पे आ रहे हैं, सैटन वगैरह टचेज नहीं आते, लेदर ऐप नहीं आता, ये भी लेदर ऐप नहीं आता आपका इसके अंदर। क्लस्टर बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे दबाते हो, नॉर्मल यहाँ पे स्पोर्ट, यहाँ पे कम्फर्ट एंड ट्रिप वगैरह की बात करें, लो फ्यूल डिस्टेंस टू MT ये देख रहे हो, टायर प्रेशर वगैरह बता रहा है, टायर टेम्परेचर भी बता रहा है, DEF लेवल 98% है,
क्लॉक सेटिंग, क्लॉक सेटिंग सब चीज़ हो गई। यहाँ पे आपको इंडिकेटर यहाँ से ऑन हो जाएगा, यहाँ से सेट वगैरह करना है, यहाँ से ये बटन आपके दफ्ते नहीं है। यहाँ पे देखते हो ये नीला लाल कैसे काम करता है, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ये सही लगता है। मतलब इसका क्लस्टर का है, अच्छे बटन हैं, टैक्टाइल हैं। यूएसबी यहाँ पे, ऑक्स यहाँ पे, 12 वोल्ट की थैंक्स ऑक डेरा आपका। यहाँ की बात करता हूँ वाइपर के बटन वगैरह आपको यहाँ देखने मिलते हैं। एंड ये देखो वॉशर फ्लूइड इज गुड अमाउंट ऑफ स्प्रे ऑन ऑफर, अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्प्रे आपको ऑफर कर रही है गाड़ी, वेरी गुड। यहाँ की बात करते हो भाई आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स वगैरह नहीं मिलती, नॉर्मल आपको हैलोजन सेटअप मिलता है। इधर की बात करते हो आइडल इग्निशन स्टार्ट स्टॉप का बटन एंड हेडलाइट लेवलर यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गई मोटी मोटी बात इधर की। गियर में आपको 6 गियर, 1 रिवर्स, जैसे ही रिवर्स को इंगेज करता हूँ सिर्फ रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है। कैमरा आपको नहीं मिलता है इसके अंदर पे, ठीक है। यहाँ पे खोलते हैं, इसके अंदर थोड़ी बहुत जगह है सॉफ्ट ओपनिंग है, काफ़ी डीप तो मिलता है, ये अच्छा है। मोबाइल वगैरह यहाँ रखो, एक एयर बैग हो रहा है, एक एयर बैग आपको है, दो ही एयर बैग से मॉडल आपको ऑफर कर रहा है। सनरूफ आपकी भाई यहाँ से होती है ओपन एंड पूरी नहीं खोल रहा यार, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और थोड़ी पीछे जाएगी इतनी चली जाएगी। चलो बंद करनी है तो यहाँ से आपकी खींच दो उसको एंड अपने आप वन टच में लाइक आगे आ जाती है। बंद करनी है तो अगर बंद कर दो। सनग्लास होल्डर आपका ये रहा, लैंप आपको यहाँ पे, लैंप आपको यहाँ पे, पीली लाइट है। खैर माइक्रोफोन आपको यहाँ मिलता है, टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है यहाँ पे राइट साइड का। इधर की जब बात करते हो तो यू कैन सी मिरर आपका ये रहा है ना यहाँ पे आपको भाई, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको एक पीली लाइट देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है। मतलब हिसाब किताब दैट इज डिसेंट। आप क्या सीन है भाई, मैक्स एसी वगैरह वो सब चीज़ के बटन वगैरह आपके काफ़ी ज़्यादा टैक्टाइल फील है, लुकिंग गुड, अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक बार हैंड ब्रेक का बटन आपको दिखा दूं, क्रोम की टिप मिलती है आपको रियर के अंदर, आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो मोटी मोटी पूरी बात क्या है, फैब्रिक वगैरह सब हमने कर ली, फाइल वगैरह यहाँ रख लो, बॉटल होल्डर उधर आ जाएगा आपका, ये डन होगी बात हमारी पूरी। तो अगर हमने आगे की पूरी बात कर ली, एक बार मैं बैठता हूँ एक बार पीछे, तो पीछे कैसे थोड़ा बॉक्स वगैरह रखा हुआ आपका इसके अंदर, तो एक बार अंदर बैठता हूँ मैं गाड़ी के एंड आपका बॉक्स हटा दिया मैंने, यार सीट कंफर्टेबल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही बैठता हूँ, अच्छा प्लेस दूँ। रियर में एसी के वेंट नहीं मिलते आपको, एडजस्टेबल हाइट सीट बेल्ट है यहाँ पे, आपको पीली लाइट, ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ देखने, मतलब टायर वगैरह भी रखा हुआ, पंचर वगैरह हो गया था इसके अंदर एंड सही है, बढ़िया यार, मतलब गाड़ी इज टिप टॉप। कोट हैंगर वगैरह ये रहा, डोर की बात करते हो, इंजन वगैरह देख रहे हो क्या सही लग रहे हैं, बढ़िया लगी गाड़ी तो मेरे को। तो W6 मॉडल है आपका, अंदर से सपोर्ट थोड़ा सा लैक कर रहा है, नी रूम इज गुड, आई वुड से गुड। मैं आगे बैठा था, मेरी 6 फुट हाइट है, मैं सही बैठा, मुझे को देखा केबिन का जो फील है आप देख रहे हो एक नंबर लग रहा है, बढ़िया। तो मेरी तरफ से भाई यही एक रिव्यू था XUV 300 का, आपको कैसी लगती है भाई ये गाड़ी, वो कमेंट से बता सकते हो भाई। एंड गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।